गल ऑस्ट्रेलिया दी करांगे, पर अज खास तौर ते आपां गल नवंबर इनटेक दी करांगे ते मास्टर्स प्रोग्राम दी गल करांगे। बहुत सारे सवाल अक्सर रहिंदे ने कि प्लस टू तो बाद जिन्हां ने अप्लाई करना है उन्हां लई तां असीं बहुत सारी वीडियोस लैके आने हैं, पर स्पैशली हुण ग्रेजुएशन तो बाद जिन्हां ने मास्टर्स लई जाना है उह किवें सही ढंग नाल अगे वधन, एक एक पॉइंट तुहाडे नाल जरूर डिस्कस करांगे। किस तरह की कोर्सिस सिलेक्शन करनी है, पूरा प्रोसीजर किस ढंग नाल तुहानूं लैके अगे वधना चाहिए, अज हरेक पॉइंट उम्मीद करांगे तुहानूं क्लीयर कर देवांगे। बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा सारा दा। मैं हाँ हरजोत कौर, ते अजे खास गल्लां खास इनफॉर्मेशन तुहाडे नाल सांझी करनगे नैविगेटर्स ओवरसीज सो वीज़ा एक्सपर्ट मिसिज वीना गोयल मैम साडे नाल ने। बहुत बहुत स्वागत है मैम। सत श्री अकाल, नमस्कार। सो मैम, ऑस्ट्रेलिया जिथे आपां हमेशा आपां देख भी रहे हैं बहुत समय तो कि बहुत स्ट्रिक्ट नज़र आता है, पर जब आपां गल इत्थे करिए जिन्हां ने मास्टर्स लिए अप्लाई करना है उन्हां दे लिए भी इन्ना ही स्ट्रिक्ट है या फिर उन्हां लिए थोड़ा ईजी रहिंदा है, तो अप्लाई करन वेले मास्टर्स लिए कड़ी कड़ी गल्लां दा ध्यान रखना चाहिए। कोर्स सिलेक्शन नूं लैके भी बहुत सारे सवाल साडे कोल स्टूडेंट्स दे आ रहे हैं, मैं जरूर चाहूँगी कि प्रोसीजर तुसीं जरूर स्टूडेंट्स नूं समझाओ। हजत इदां है, मास्टर्स दा जिहड़ा स्टूडेंट है ना उह थोड़ा मैच्योर्ड हुंदा है, राइट, उन्हों समझ है। एंड बच्चे जॉब भी कर रहे होंगे मैक्सिमम, कोई बैंक जॉब कर रहा कोई, मतलब एक प्रोफाइल अच्छा बन जाता है ना। मास्टर्स वास्ते हुण मैं दो तीन गल्लां बड़ी क्लीयर करूँगी, व्हाट ऑल यू नीड। सब तो पहले अपन शुरू कर दें अकैडमिक। अकैडमिक जिहड़ा परसेंटेज है आलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी 55-60% मास्टर्स दे लैंदी है। अगे यूनिवर्सिटी वाइज क्राइटेरिया हो जाता है, लैवल थ्री सैक्शन थ्री यूनिवर्सिटियाँ जिदा PTU हो गई है, इदा जी है सैक्शन थ्री उन्हें 65% भी लेंदे है। ये डिपेंड करता यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, राइट। फिर मास्टर्स वास्ते जी IELTS रिक्वायरमेंट है वह है 6.5 या PT उसके इक्वलेंट चाहिए है। तो और जो जॉब कर रहे हो तो तुहानू उहदे प्रूफ देने पैंदे, सैलरी स्टेटमेंट हो गई तुहाडी, ठीक है, जॉब एक्सपीरियंस लैटर हो गया, और मतलब तुहाडा जिहड़ा ईवन जिहड़ा जॉब कर रहे हो उन्हां दा यूनिवर्सिटियां ये देखदियां कि एक्सपीरियंस लैटर ते उन्हां दा आप दा कंपनी दा वैबसाइट दा पोर्टल होए। ये नहीं कि कोई भी जिदा gmail.com yahoo.com वो वाले नहीं, मान लो एक फलानी कंपनी है वो आप दा पोर्टल होए www.उन्हां दी आप दी कंपनी दा .com या जो भी है, ठीक है, उस में उसका ईमेल ID होए जिदे उपर वेरीफिकेशन करते हैं इस चीज़ नूं, क्योंकि फ्रॉडलेंट डाक्यूमेंट तो बहुत ज़्यादा परेशान है एम्बेसियां और यूनिवर्सिटियां, क्योंकि सब तो बड़ा जिहड़ा काम है इस टाइम GT अप्रूव कराना। GT क्योंकि जो रिजेक्शन आता है पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का या पर्टिकुलर कॉलेज का, उन्हां दी जिहड़ी रिस्पोंसिबिलिटी है उन्होंने सारा आंसर इमीग्रेशन नूं देना, एंड दे डोंट वॉन्ट टू टेक एनी रिस्क, उन्होंने कोई रिस्क नहीं लेना, उन्होंने आपका प्रोफाइल क्लीयर रखना। जब क्लीयर रखना है तो जिन्नी वो वेरीफिकेशन करेंगे, जिन्ने बच्चे सही लैणगे उन्हां दी जिहड़ी रैंकिंग ते असर नहीं आता। इस करके इस दे टाइम GT क्लीयर करना बहुत मुश्किल होंदा है। GT दे विच तुहाडे जिहड़े 3 months ओल्ड बैंक स्टेटमेंट, अंबैसी की रिक्वायरमेंट नहीं है 3 months बैंक दी, ठीक है, अंबैसी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट GT क्लीयर कराने वास्ते तुहाडे जिहड़े फाइनैंशियल डाक्यूमेंट्स 1 year लिविंग एक्सपेंसिज 1 year द फीस, ठीक है, वो तुहाडे अकाउंट च होनी चाहिए है जिदी तुहानू वो बैंक वेरीफिकेशन जाती है, एक्सपीरियंस की वेरीफिकेशन जाती है। IELTS तुहाडा 6.5 नॉट लैस दैन 6, जब कोई यूनिवर्सिटी 6 बैंड लेंदी है, इट कैन बी हायर एजुकेशन कॉलेज बट नॉट यूनिवर्सिटी, तो ये थोड़ी जी स्ट्रगल है, बट 6.5 एक पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बच्चे वास्ते मुश्किल नहीं है लेना, इट्स वेरी ईजी। और जो आप फाइनैंशियल की गल करिए, जब स्टूडेंट बना रहा प्रोग्राम बाहर जाता और जब सोचन लगता उस टाइम वो बैंक च पा लेंगे, अदरवाइज वो इस टाइम गवर्नमेंट बहुत ईजी हो गई अपनी इंडियन गवर्नमेंट विद द बैंक्स, बैंक्स थोनों एजुकेशन लोन दे देंगे, तो एजुकेशन लोन लैके भी तुसी जा सकते हो। हाँ, इनकम टैक्स रिटर्न पेरेंट्स की बच्चा आप दी जो वर्किंग है वो जरूर शो करनी होंगी है, जिहड़ी GT की रिक्वायरमेंट है, दैट मीनस फाइनैंशियल 3 months ओल्ड फंड तुहाडी इनकम टैक्स रिटर्न ना, ये मेन चीज़ है GT दे वास्ते। GT दे वास्ते कोर्स बच्चे नूं इंटरव्यू भी यूनिवर्सिटी तो आ सकता है कि तुसी ये कोर्स क्यों चूज़ किया और तुहाडी स्टडीज़ नूं कौन स्पॉन्सर कर रहे हैं।
जी जी बिल्कुल। सो मास्टर्स वाले जिहड़े अप्लाई करना चाह रहे सी उन्हां दे यही सारे ज़्यादातर सवाल साढ़े कोल आ रहे सी, जिस विच मैम ने बहुत चंगे ढंग नाल चीज़ां नूं एक्सप्लेन जरूर कर दिता। सो मैम आपां नवंबर इनटेक दी जिथे मैं गल कर रही हाँ, तां मास्टर्स लई किन्ने कु चांसिस हले है एडमिशन दे, या किन्ने कु चंगे कोर्सेज हले भी अवेलेबल ने ताकि स्टूडेंट्स हले भी इस टाइम का फायदा लैन, अपलाई करन ते अपना प्रोसैस शुरू करवाण? देखो आपां अगस्त मिड विच ऑलरेडी आ चुके हाँ, ठीक है, तो हुण हजे भी टाइम है जिहड़े स्टूडेंट्स नहीं कर सके मास्टर्स वास्ते नवंबर इनटेक जिहड़ा कुछ यूनिवर्सिटियां दा उहदे विच अप्लाई कर सकते हैं। जी टी की रिक्वायरमेंट मैं तुहानू दस ही दित्ती है, एडमिशन रिक्वायरमेंट भी मैं दसते, जी टी की रिक्वायरमेंट बैचुलर वास्ते भी सेम है, मास्टर्स वास्ते भी सेम है, ठीक है। हुण जिहड़े यूनिवर्सिटियां वो विक्टोरिया च भी मिल सकदियां, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਈਨਸਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪਰਥ ਸਾਈਡ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਰੀਜਨਲ ਏਰੀਆ ਇੱਥੇ ਜੋਬ ਸਰਚ ਵੀ ਪੋਸਟਡੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਵਨ ਅਪ ਟੂ 6 ਈਅਰਸ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਜੇ ਰੀਜਨਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਵਰਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਨਕਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਕੁ ਅੱਛੀ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੱਸੂੰਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਿਦ ਦ ਕਲਾਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿ ਸਰ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਰੀਅਲੀ ਹੈਪੀ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਐਮ ਬੀ ਏ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਐਮ ਐਸ ਮਾਸਟਰਸ ਇਨ ਆਈ ਟੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ, ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਲੈਣਾ, ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਸਟਰਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਹਲੇ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਹਰਜੋਤ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੈ ਨਵੰਬਰ ਵਾਸਤੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਸ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਕੋਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜੈਨ ਫੈਬ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਣ ਟਾਈਮਲੀ ਹਲੇ ਵੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਸਹੀ ਲਓ। ਅਗਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਨੈਵੀਗੇਟਰਸ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮਲੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾਓ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਗੇਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਗੇਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੇਵ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਔਰ ਚੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ।